नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो करंट अफेयर से संबंधित है। अक्सर नेट JRF TGT PGT KVS फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट रेलवे या कोई भी भर्ती होती है तो करंट अफेयर से संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही खबरों में रहा चिंचोटी वाटरफॉल किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर होगा ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही खबरों में रहे कारा का संबंध किस से है? सही उत्तर होगा बाल संरक्षण अधिनियम से। तीसरा जो क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा हथियार कानून 1959 में संशोधन करने की घोषणा की गई है, ये संशोधित कानून कब से लागू किया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 2019 से ये कानून संशोधित होगा और लागू कर दिया जाएगा। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही दुनिया का पहला रिमोट संचालित माइक्रोस्कोप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही उत्तर होगा IIT मद्रास के द्वारा। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा पेटकॉक किससे संबंधित है? सही उत्तर होगा तेल परिष्कृत मिट्टी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं और बाल सुरक्षा पर राज्यों के महिला और बाल विकास मंत्रियों की बैठक है वो कहाँ संपन्न हुई थी? सही उत्तर होगा नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, हाल ही में LIC ने किस बैंक में 51% हिस्सेदारी खरीद ली है? सही उत्तर होगा IDBI बैंक। इसकी जो स्थापना है वो सन 1964 में हुई थी। नौवा क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा पौधागिरी अभियान की शुरुआत की गई थी? सही उत्तर होगा हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं। दसवां क्वेश्चन है, देश का पहला कौशल प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? सही उत्तर होगा उड़ीसा राज्य में। जो इसकी लागत लगी थी वो 160 करोड़ रुपए की इसमें खर्चा आया था। ग्यारहवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कंपनी बेल ने साब के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है, साब किस देश से संबंधित है? सही उत्तर होगा स्वीडन से। बारहवां क्वेश्चन है, हाल ही खबरों में रहा लिथिल वाहिट नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा J.K. राउलिंग। तेरहवां क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा दुनिया के टॉप 100 भुगतान पाने वाले सितारों की सूची जारी की गई है जिसमें किस भारतीय को स्थान मिला है? पहला स्थान अक्षय कुमार को मिला है जो 100 में 76वां स्थान है। दूसरा है वो सलमान खान को मिला है जो 100 में 82वां स्थान है। दोस्तों ये अमेरिका द्वारा जारी की जाती है। जो टॉप 100 में हमारे दो सितारे हैं, पहला अक्षय कुमार दूसरा सलमान खान। दोस्तों मैंने आज आपको करंट अफेयर से संबंधित ये वीडियो जारी किया है। आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो और प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भारत।